तो आपको बता देते हैं कि आज हमारे साथ दंगल में कौन कौन से मेहमान हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ दो मेहमान आ रहे हैं, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया। दोनों लखनऊ स्टूडियो से आज चर्चा का हिस्सा बनेंगे और यहाँ दो मेहमान मेरे साथ गंगा किनारे संगम तट पर इस समय आ चुके हैं। बाबा अभय अवस्थी, स्वागत कीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और नरेंद्र सिंह गौड़, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, बीजेपी के नेता हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। लेकिन पहला सवाल पूछूं उसके पहले एक जानकारी और अपने दर्शकों को दे दें। मुलायम सिंह यादव, उन्होंने सदन में आज भाषण दिया तो उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए और भाषण खत्म करते करते यहां तक कह गए कि हम तो चाहते हैं ये सारे सांसद दोबारा चुन के आए और नरेंद्र मोदी ही दोबारा प्रधानमंत्री बने, इसकी शुभकामनाएं भी उन्होंने नरेंद्र मोदी को दे दी। अनुराग भदौरिया, अगर मुझे सुन पा रहे हैं आप, तो मेरा पहला सवाल आप ही से है। आप महागठबंधन बना रहे हैं, मायावती को साथ ला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उधर से डोरे डाल रही है कि हम भी किसी ना किसी तरीके से साथ हो जाएं, और मुलायम सिंह यादव आपके इस गुब्बारे की हवा निकाल दे रहे हैं सदन के अंदर। शायद अनुराग तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सबसे पहले मैं आप ही से पूछ लेता हूं, अभय अवस्थी जी, मुलायम सिंह यादव तो सर्टिफिकेट दे गए संसद के अंदर, कह गए कि हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, माइक उठा लीजिए, हाथ में उठाकर बोलिए। देखिए, अब वो बुजुर्ग हैं, गठबंधन के नेता युवा अखिलेश जी हैं और इधर हमारी तरफ से राहुल जी हैं। अब बालक वृद्धा एक समाना, अब वो क्या बोल गए, कहाँ से बोल गए, अब इसका तो स्पष्टीकरण समाजवादी पार्टी ही दे। हम लोग जिससे साथ काम कर रहे हैं, एक तरीके से राजनैतिक संगम, गंगा और यमुना का राजनैतिक संगम राहुल जी और अखिलेश यादव जी में हो गया है। गठबंधन को लीड अखिलेश जी कर रहे हैं, अगर अखिलेश जी ऐसा कहे हो तो हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग। वैसे मैं एक चीज अपने दर्शकों को बता दूं, ये कैमरा घुमा के दिखा दें, ये तो पूरा काफिला इस समय आप जाते हुए देख रहे हैं हमारे पीछे से, ये बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला है। ये आज पूरे दिन यही संगम नगरी इलाहाबाद में है दोनों नेता। सुबह सुबह अमित शाह ने कुंभ में स्नान भी किया, डुबकी भी लगाई संगम में, और उसके बाद तमाम साधु संतों से मिलने के बाद, हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद, बड़े हनुमान मंदिर में, इस समय ये काफिला यहां से निकल रहा है और दोनों नेता यहां से रवाना हो जाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद। अब गौड़ साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक आज राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, क्या लड़ाई सारे मुद्दों से इतर केवल एक ही तरफ, एक ही बात की है, आपको मोदी को बचाना है, दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है और इनको मोदी को हटाना है, बाकी सब चीजें केवल इर्द गिर्द है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में प्रदेश में, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पौने पाँच साल से हैं। देश के अंदर जितना विकास हुआ है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। प्रयागराज में कुंभ यहाँ पर हो रहा है, जितना अच्छा कुंभ इस बार हुआ, मेरे समझ में इतना अच्छा कुंभ नहीं हुआ था। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, कोई भी यहाँ पर आया है उसने कहा कि इस बार का कुंभ भव्य हुआ है, दिव्य कुंभ हुआ है। इसका क्रेडिट अगर जाता है उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को जाता है, केंद्र सरकार के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। और इतना नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, जितना विकास हमारी सरकार ने किया है केंद्र में और प्रदेश में भी कर रही है, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और 2019 के अंदर पुनः केंद्र के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। विश्व के अंदर जिस तरह से हमारा मान सम्मान मोदी जी ने बढ़ाया है और पुनः और बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। रोड शो में तो आप आगे निकल गए, डुबकी लगाने में पीछे रह गए प्रियंका राहुल गांधी, अमित शाह लगा गए डुबकी, देखा आपने अभी काफिला जाते हुए। अमित शाह जी तो हर तीसरे दिन डुबकी लगा रहे हैं, पता नहीं क्या धोने आ रहे हैं गंगा जी में। सवाल इस बात का है कि और कोई काम ही नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। अरे, चुनाव का बिगुल बज चुका है, दौरा औरा करिए, गंगा जी में रोज डुबकी, रोज डुबकी, और आज कान पकड़ के डुबकी लगा रहे थे, पता नहीं कौन से किस लिए कान पकड़ के डुबकी लगा रहे। अजीब सा तमाशा बना दिया है, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ कह रहे हैं, दावा किया था 25 लाख NRI और फॉरनर हम हेलीकॉप्टर पे लेके आएंगे और 4000 NRI और फॉरनर खाली ला पाए। ये तो भारत की धर्म प्राण जनता को मैं नमन करता हूं, जिनकी गंगा में आस्था है वो गंगा को अपनी माँ समझते हैं,
उसके एक बूंद के आचमन और उसकी स्नान से अपने को पवित्र करना चाहते हैं, वो चले आए तो इनकी इज्जत बच गई। जिनका मैनेजमेंट ये कर रहे थे एनआरआईयों के लिए दिव्य भव्य कुंभ, अरेल के तट पर उस तरफ बहुत बड़ा बड़ा जो है इन्होंने होर्डिंग और बैनर लगाकर किया था, 4000 एनआरआई और फॉरनर केवल ला पाए और 25 लाख का दावा किया था और 1200 करोड़ कमाने का दावा। पता नहीं लखनऊ में थे कि नहीं, होर्डिंग बैनर तो आप लोगों ने भी बड़े लगाए थे, उतने आदमी ले आए थे क्या प्रियंका गांधी के रोड शो में, जितने बैनर होर्डिंग लगाए थे आपने? प्रियंका गांधी के जो है रोड शो से जो हर हर मोदी थे वो थर थर मोदी हो गए हैं, जाके पता कीजिए। पता कर लेते हैं, बोलिए गौर साहब, हर हर मोदी थर थर मोदी हो गए क्या? नहीं, प्रियंका गांधी इसके पहले भी दो चुनाव में मुख्यतः दो स्थान पर अमेठी और रायबरेली में कंसंट्रेट करती थी, पहले भी उत्तर प्रदेश में आती थी, लेकिन उनके उनका चेहरा देख करके वोट नहीं देने वाला। ये ठीक है उनके कारण आज भीड़ इकट्ठा हो गई हो, मैं भी विश्वासघात कह सकता हूँ हमारे देश की जनता बहुत जागरूक है, वो नीतियों सिद्धांतों विचारों पर कौन पार्टी आगे हमें विकास कर सकती है, कौन हमारे देश को आगे बढ़ा सकती है, उसको वोट देगी, उसकी सरकार बनाएगी। अब कांग्रेस पार्टी तो उत्तर प्रदेश में लगभग है ही नहीं, कितने इनके विधायक हैं, कितने सांसद हैं, केवल 2 सांसद उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले चुनाव में जीते थे। ये प्रियंका गांधी के नाम भले के रट लें उससे इनको वोट नहीं मिलने वाला है, वोट अगर मिलेगा काम के आधार पर मिलेगा। हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार के जो काम किया है उसके आधार पर हमें वोट मिलेगा। जहाँ तक कुंभ की बात अभी है, हमारे अभय अवस्थी ने किया, हम तो कहते हैं इसके पहले सपा भी सरकार थी, बसपा भी सरकार की, उसके बहुत पहले कांग्रेस की भी सरकार रही, उस समय कैसा कुंभ होता था। आज अब तक तो यहाँ पर कभी भी हर बार आवाज़ उठती थी संतों की तरफ से, गंगा में पानी नहीं है, गंगा जल है प्रदूषित है, लेकिन इस बार एक भी आवाज़ नहीं उठी। ये सिद्ध करता है कि हम लोगों ने गंगा जल जितना उपलब्ध होना चाहिए उपलब्ध कराया, शुद्ध जल उपलब्ध कराया, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। एक बार चलते हैं लखनऊ, अनुराग भदौरिया, राकेश त्रिपाठी दोनों हमारे साथ लाइव इस समय आ गए। भदौरिया जी, क्या हो गया ये, मुलायम सिंह जी ने तो कह दिया कि मोदी को दोबारा पीएम देखना चाहते हैं। देखिए अब आप लोग क्या कहिएगा, आपको पता होगा कि सबसे वरिष्ठ नेता हैं वो, हमेशा से उन्होंने, अगर आपको याद होगा जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने शुभकामनाएं दी थी, जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे तब भी शुभकामनाएं दी थी, आज भी शुभकामनाएं देते हैं, यही तो कल्चर है। और इसको हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए कि जब सत्र का आखिरी दिन हो, सब लोग लोकसभा के इलेक्शन में जाने वाले हों, सांसद सबके मन में कैसी धड़कन होती है आप अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने सारे सांसदों को बोला, सभी को बोला, एक शिष्टाचार के नाते सभी लोग जीत के आए, और मेरी शुभकामनाएं होता है हम लोग भी, जब आपने देखा हो जब किसी तरह का जब आप एक दूसरे से मैदान में लड़ाई में जा रहे होते तब भी शुभकामनाएं दी जाती थी, आज भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। मैं कहता हूं बीजेपी से सीखिए, कम से कम अपनी भाषा शैली, संस्कार, संस्कृति, शिष्टाचार क्या होता है, किस तरह बोला जाता है, अदरवाइज शुभकामनाएं देना एक चीज होती है, हमेशा बोलते हैं शुभकामनाएं देता आदमी तो कहता है कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप दोबारा विजयी हो। मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा, मुलायम सिंह यादव ने कहा हम जब जब इनके पास जाते थे मोदी जी फॉरन ऑर्डर कर देते थे, हमारी सब बात मान लेते थे, सबको साथ लेके चलते हैं, ये हम चाहते हैं दोबारा प्रधानमंत्री बने। जब लास्ट समय, हाँ बिल्कुल, जब ये लास्ट समय, अरे जब लोकसभा का लास्ट सत्र होता है आपको, आपको एक दूसरे के लिए अच्छी बातें बोलते हैं, ये शिष्टाचार है और शिष्टाचार को निभाना चाहिए, मोदी जी को बोलना चाहिए, मोदी जी को इतना आया मैं कहते हैं 2023 तक है भाई, उनको बोला काम करते हैं, नहीं हम 2023 तक नहीं है, फिर जनता काम करते हैं चुनेगी तो अच्छी बात है, जनता की शुभकामनाएं लेंगे। देखिए आपको मानना पड़ेगा शिष्टाचार, और एक जो सीनियर नेता होने के नाते और सदन के भदौरिया जी, मैं तो मान ही रहा हूँ, मैं तो मना कर ही नहीं रहा कि उन्होंने शिष्टाचार दिखाया, लेकिन इस शिष्टाचार में आपकी पार्टी की आफत हो गई ना, नहीं हो गई ना, कैसे हो गई, क्या वो जो मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब भी आशीर्वाद दिया था, जब यहाँ मुख्यमंत्री अगर आपको याद होगा क्यों हो गई वो आशीर्वाद देना, यही परंपरा है समाजवादियों की, क्या बोला वो सुन लीजिए फिर आपको पता लग जाएगा क्यों हो गई आपकी पार्टी की आफत। सुनिए उन्होंने लोकसभा में क्या बोला, राजनीतिक क्या बोले। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया, ये सही है कि हम जब जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया, ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ,
के प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया, तो आपने जिस तरह से चलाया है वो सबको कैसे रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके पेपर के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है, इसे विशेष बधाई और धन्यवाद आपको देता है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया, ये हमारी इच्छा है, ये सकता है। तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इसको इतना बहुत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री।